जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं रमा एकादशी 2024 कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की अपेक्षा रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। रमा एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। यह कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी जैसे अन्य नामों से भी लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में रमा एकादशी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। रमा एकादशी को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रमा एकादशी एक पवित्र व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 5:23 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा। रमा एकादशी के अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 10:31 के मध्य पारण किया जाएगा। रमा एकादशी पूजन विधि। रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें, फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, चौकी पर दीपक जलाएं और विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। श्री हरि को पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। अंत में आरती करके भोग लगाएं और पूजा का समापन करें। पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न और प्रसाद वितरित करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।